हरियाणा के मेवात नू में हुई हिंसा को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। इस हिंसा में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा को लेकर लगातार पुलिस दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है। इस बीच ये मामला इतना बढ़ गया कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज को भी ऐसा कोई संदेश जाना चाहिए कि नफरत का जवाब नफरत और हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती। सभी को ये समझना ही होगा कि शांति और सद्भाव का वातावरण ही उनके और देश के हित में है। यदि समाज अपने नैतिक और नागरिक दायित्वों को लेकर नहीं चेतता तो फिर चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाने से भी बात नहीं बनने वाली। हिंसा पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, केंद्र सरकार समेत हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को नफरती भाषणों पर रोक लगाने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाने के जो निर्देश दिए हैं वो समय की मांग के अनुरूप है। वास्तव में नफरती भाषण को रोकने के निर्देश सभी राज्य सरकारों को देने चाहिए, क्योंकि ऐसे भाषण किसी राज्य विशेष तक सीमित नहीं है। भड़काऊ भाषण को परिभाषित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी बात को कोई नफरती घोषित कर देता है तो कोई उसे कटु आलोचना के रूप में व्याख्यायित करता है। एक समस्या यह भी है कि किसी के नफरती भाषण पर तो खूब शोरगुल मचता है, लेकिन किसी अन्य के ऐसे ही भाषण की अनदेखी कर दी जाती है। अनदेखी राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, मीडिया के एक हिस्से और यहाँ तक कि कभी कभी अदालतों की ओर से भी कह दी जाती है। कई बार तो घोर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवरण पहना दिया जाता है। तो इस तरह से कोर्ट ने ये सभी निर्देश दिए हैं और कोर्ट ने इसके साथ ही आगे कहा है कि ना जाने कितने नफरती भाषण ऐसे हैं जिनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नू की हिंसा के मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भड़काऊ भाषण दोनों पक्षों की ओर से दिए गए। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नफरती तत्वों को जरूरी सबक मिले, वो चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी या फिर किसी और वैचारिक या किसी मजहब समूह के हों। भड़काऊ भाषणों पर कार्रवाई के मामले में दोहरे मानदंड समस्या को बढ़ाने वाले ही सिद्ध हो रहे हैं। ये जो साबित करने की कोशिश हो रही है कि ऐसे भाषण केवल किसी एक विशेष समूह या विचारधारा से जुड़े लोग ही दे रहे हैं वो एक शरारती एजेंडा है और उसे बेनकाब करने की आवश्यकता है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। इस पूरे मामले की बात करें तो बजरंग दल और हिंदू संगठनों की तरफ से 9 मई 31 जुलाई को जलाभिषेक यानी ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी। जैसे ही यात्रा कुछ दूरी पर पहुंची थी तो उस पर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान दो गुटों के बीच लड़ाई हुई। देखते ही देखते ये लड़ाई हिंसा में तब्दील हो गई। इसके बाद मंदिर मस्जिदों को जलाया गया, करीब 80 गाड़ियों को फूंक दिया गया। कहा जा रहा है कि गोरक्षक मोनू मानेसर के वीडियो और उसके यात्रा में शामिल होने की खबर से यह हिंसा हुई, लेकिन इस पर मोनू मानेसर का कहना है कि वो यात्रा में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि पुलिस हिंसा के हर एक पहलू की जांच कर रही है। पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर शांति को बहाल किया है, जिसके साथ ही फिलहाल नू में अभी शांति का माहौल है। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।